तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पिंदास कार्तिक में। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि तरोई के पौधे में हम 3G कटिंग कैसे कर सकते हैं और भारी पैदावार उसे कैसे ले सकते हैं। आज मैं उसको आपको सही तरीका बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पौधा है हमारा कम से कम 2 फुट का, और आप इसमें देख सकते हैं यहाँ से सीधा पौधा है, यहाँ से हम इसको कलम कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं हमने इसको कलम कर दिया है। अब यहाँ से एक नई ब्रांच उगेगी, उसको हम सेकेंड जनरेशन ब्रांच बोलेंगे। वो हमारी नई ब्रांच निकलेगी, फिर हमें उसमें भी कलम करनी होगी। आपको पौधे का दोस्तों विशेष ध्यान रखना है, और दोस्तों आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी बेल हो वो बिल्कुल सीधी हो, उसमें दूसरी तरफ से और कोई कली या फिर ब्रांच ना निकल रही हो। अगर निकल रही हो तो आपको भी उसको हटा देना है। तो चलिए कुछ दिनों बाद का रिज़ल्ट देखते हैं। तो दोस्तों, कुछ दिनों बाद का रिज़ल्ट आप देख सकते हैं, हमारी तरोई की बेल काफ़ी अच्छी ग्रोइंग पर आ चुकी है और इसमें फूल भी निकलना शुरू हो चुके हैं। ये काफ़ी अच्छे फूल भी दे रही है। अब फूल का मतलब दोस्तों फल होता है, फूल से फल भी बनेंगे काफ़ी जल्दी। तो चलिए, हमारी फर्स्ट जनरेशन की ब्रांच जो थी वो हमने काटी दी थी, अब हमें 2G कटिंग करनी है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे फूल इसमें निकलना शुरू हो चुके हैं, और हमने इसको इधर ही से काटा था, ये इधर से दोस्तों हमने इसको काटा था यहाँ से। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी नई ब्रांच निकली हुई है और इसमें काफ़ी अच्छे फ्लावर्स भी निकल रहे हैं। तो चलिए अब इसको भी काट देते हैं और हमारी सेकेंड जनरेशन की ब्रांच भी कट हो जाएगी, मतलब 2G कटिंग भी हो गई। 2G कटिंग हो गई, अब हमें 3G कटिंग करना है। इसके साइड से ही एक नई ब्रांच निकलेगी दोस्तों, वो हमारी थर्ड जनरेशन की ब्रांच होगी, उसको भी हमें कलम कर देना है, और उसके बाद आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं 2G कटिंग में ही काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चिलमिंदा सिद्ध कार्तिक में। आज की देख रहे हैं आज कितनी ज़्यादा बारिश हो चुकी है दोस्तों, पूरा पानी से भरा हुआ है, यहाँ पे तालाब जैसा बन गया है। पर कोई बात नहीं, वो सूख जाएगा अभी जैसे धूप पड़ेगी। ये देखिए, हमारी जो थर्ड जनरेशन की ब्रांच थी ये भी हमने काट दी है। तो दोस्तों, हमारी 3G कटिंग हो चुकी है पूरी कंप्लीट, अब बस हमें इसका रिज़ल्ट देखना है। आप देख सकते हैं 3G कटिंग करते समय ये कितनी लंबी हो चुकी है और इसमें कितने अच्छे फ्लावर्स भी निकल रहे हैं। रोज़ इसमें फ्लावर्स निकलते हैं, ये देखिए ढेर सारे फ्लावर निकले हुए हैं। यहाँ से हमने काट दिया, ये देखिए कितने अच्छे फ्लावर्स निकले हैं दोस्तों, ये देखिए कलियाँ निकली हुई ढेर सारी। अब इन्हीं से फल बनेगा दोस्तों, और कुछ नहीं है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा 3G कटिंग का प्रोसेस डन हो चुका है। अब हमारी जो फोर्थ जनरेशन की ब्रांच निकलेगी उसमें काफ़ी अच्छे फल फ्रूट निकलेंगे और बहुत ही अच्छी पैदावार भी निकलेगी। तो दोस्तों, कुछ दिन बाद का आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरोई हमारी निकलना शुरू हो चुकी है और काफ़ी अच्छी पैदावार हम इससे लेने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।